चार बच्चे, 28 साल का साथ और अब तलाक। ये कहानी है राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी की। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया का रसूख और सियासी कद दोनों कद्दावर है। स्थानीय लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कुंडा तो छोड़िए, पूरे प्रतापगढ़ में राजा भैया के इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन पत्नी से तलाक लेने की खबरें और कई सालों से परिवार के अंदर उठ रहे तूफान ने राजघराने के दर्द को सरेआम कर दिया है। मामला दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में है, लेकिन अंदाजा हर कोई लगा रहा है कि आखिर ये नौबत यहां तक पहुंची कैसे। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बेती और भद्री राजमहल के राजकुमार हैं। वहीं बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह, साल 1995 में दोनों ने जीवन साथी के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उस वक्त राजा भैया की उम्र करीब 25 साल और भानवी 20 साल की थी। रिश्तों का सफर शुरू हुआ और वक्त के पड़ाव ने उन्हें चार खूबसूरत तोहफे भी दिए। दो बड़ी बेटियां और दो जुड़वा लड़कों से उनकी जिंदगी में चार चांद लग गए। 1996 में पहली और 1997 में दूसरी बेटी के बाद भानवी ने 2003 में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। समय के साथ दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। बताते हैं, राजा भैया से नाराजगी के बाद भानवी सिंह दिल्ली में रहने लगी थी। हालांकि दोनों के बीच नाराजगी की वजह क्या रही, इस बारे में सिर्फ कयासबाजियां ही लगती रही हैं। दो साल पहले राजा भैया ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने उनके ऊपर परिजनों को अपमानित करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों की परवरिश में लापरवाही की भी बात कही। दोनों की तलाक की कॉपी भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। बताया जाता है, राजा भैया और भानवी सिंह के रिश्तों में काफी अरसे से कड़वाहट थी। ये बात उजागर तब हुई जब भानवी ने MLC अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के बेहद करीबी हैं। उनके खिलाफ ये केस धोखाधड़ी, जालसाजी सहित कई संगीन धाराओं में दर्ज कराया गया था। राजा भैया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित कुंडा से लगातार 7वीं बार निर्दलीय विधायक हैं। वो 1993 से लगातार विधायक हैं। वो यूपी सरकार में जेल और खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। अभी की बात करें तो राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं।